Welcome, dear student. Myself, Shehbaz Yunus Bhatti. I am presenting this lecture on the behalf of American Leicester International School System. Dear student, last time humne padha tha, what is the difference between oxidation and reduction? To next lecture ki detail mein jaane se pehle, main chahunga ki main thoda sa usse revise kar lu. Ki oxidation ko humne bola tha addition of oxygen, removal of hydrogen and loss of electron. On the other side, reduction ko हमने एक्सप्लेन किया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लास्ट लेक्चर में हमने इन सब को विद एग्जांपल्स डिस्कस किया था. आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ जाते हैं. जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है डिफाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. तो बेटा अगर डिफाइंड के लिए आएगा तो ये आपको दो नंबर के लिए जितना मैंने लिखा है सिर्फ इतना ही लिखना है विद एग्जाम्पल. लेकिन अगर लॉन्ग के लिए आएगा क्योंकि ये कई दफ़ा लॉन्ग में आ चुका है तो उसके रूल्स भी लिखने पड़ेंगे. तब भी आपको ये एक्सप्लेन करके डेफिनेशन देन उनके रूल्स की तरफ जाना होगा. तो एक्सप्लेन करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द एपरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन. किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा बेटा जो नज़र आएगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर HCl को डिस्कस किया. इन द केस ऑफ HCl H carry a positive one charge and Cl carry a negative one charge. तो इनके जो apparent charges हैं they are positive one and negative one. तो इनके जो apparent charges हैं यही इनकी oxidation state और oxidation number के equal हैं. तो दोबारा repeat कर देते हैं. Oxidation state और oxidation number is the apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or in an ion. आयन की एग्जांपल हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आयन की NaCl. तो Na पे चार्ज होता है पॉजिटिव और Cl पे चार्ज होता है नेगेटिव. तो उन चार्जेस को भी हम डिस्कस कर सकते हैं. वो भी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जस्टिफाई हो जाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं हम इनके रूल्स की तरफ. तो बेटा रूल्स इनके हैं टोटल 8. बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज 0. किसी भी एलिमेंट की जब फ्री स्टेट मीन नॉन रिएक्टिंग स्टेट. नॉन रिएक्टिंग स्टेट के ऊपर अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. टेक एन एग्जांपल ऑफ नोबल गैसेस. जैसे कि हमें पता है कि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं. ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ना गेन ना लॉस. तो इन दैट केसेस वो नॉन रिएक्टिंग स्टेज पे है और नॉन रिएक्टिंग स्टेज के ऊपर उसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. सेकेंड रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज अ चार्ज ऑन इट. जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक एग्जाम्पल ली थी HCl की. तो वहाँ पे H पे क्या चार्ज था बेटा, पॉजिटिव 1 और Cl पे नेगेटिव 1. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl. Na पे चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव 1, Cl पे चार्ज होता है नेगेटिव 1. तो जितना भी किसी आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. थर्ड रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज. अगर हम पेज नंबर 48 पे देखें तो पेज नंबर 48 के ऊपर हमें एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ नजर आएगा. उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको 18 वर्टिकल लाइंस नजर आएंगी. वर्टिकल लाइंस को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का. तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो आपको नजर आएगा वो होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड सो ऑन. उन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1. अगर ग्रुप 2 की बात करें, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की, तो बेटा इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरी पॉजिटिव 2 चार्ज. इसी तरह ग्रुप नंबर 13, बोरॉन और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज आता है. तो हम कह सकते हैं कि जितना भी किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. नेक्स्ट चलते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के लिए आपको 2 चीज़ें याद करनी है कि हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहा है इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इट कैरी अ पॉजिटिव 1 चार्ज. लेकिन जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज. तो हाइड्रोजन पे 2 तरह का चार्ज आता है, पॉजिटिव 1 चार्ज इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड बट इन मेटल हाइड्राइड इट कैरी अ नेगेटिव 1 चार्ज. इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 तरह का चार्ज कैरी करता है, -2, -1 एंड +2. -2 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, -1 इन परऑक्साइड एंड +2 इन OF2. बेटा अगर -2 की एग्जांपल लेनी है तो वाटर. इन द केस ऑफ वाटर ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है.
और अगर परऑक्साइड है तो परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव टू चार्ज है, पॉजिटिव टू चार्ज है OF2 के केस में। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन पे कितनी तरह का चार्ज होता है, दो तरह का आ सकता है, पॉजिटिव वन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड एंड नेगेटिव वन इन मेटल हाइड्राइड। ऑक्सीजन पे कितनी तरह का चार्ज आ सकता है, तीन तरह का चार्ज आ सकता है, -2 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, बट -1 इन परऑक्साइड एंड +2 इन OF2। और बेटे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा 8th क्लास से रिवाइज कर लेता हूँ। वहाँ पे एक वर्ड आया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बोला था द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्सेल्फ। तो बेटा अगर कोई एलिमेंट किसी के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इट्स मीन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी रिसेंटली हमने इसकी एग्जाम्पल ली एच और सी एल की। सी एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इस वजह से उस पर क्या चार्ज आया, नेगेटिव का चार्ज आया। नेक्स्ट पॉइंट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अल्जेब्रिक सम सबके चार्जेस को सम अप करके ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज ज़ीरो, क्योंकि मॉलिक्यूल जब बनता है तो वो ज़ीरो रहता है, उसका चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है क्योंकि सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी तरह आइंस में भी, इन आयनिक कंपाउंड, इन आइंस द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट से मिलता जुलता ही है कि जब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये रहे हमारे पास रूल्स, जो 8 थे रूल्स हमारे पास। एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं, जब फ्री स्टेट में होगा तो कोई चार्ज नहीं होगा, आयन होगा तो जितना आयन पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हाइड्रोजन पे दो तरह का चार्ज आता है, पॉजिटिव वन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड एंड -1 इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, ऑक्सीजन पे तीन तरह का चार्ज आता है, -2, -1 एंड +2, और सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, और आयनिक कंपाउंड में एल्जेब्रिक सम चार्जेस के इक्वल के उसके चार्जेस के इक्वल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ स्पीशी डेट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। और बेटे इलेक्ट्रॉन लेते कौन है? नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अदर सब्सटेंस को उन्होंने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो गए? रिड्यूस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन एक और है, द सब्सटेंस एटम और आयन व्हिच इज रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो डेफिनेशंस हो गई, अ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एजेंट इज अ स्पीशी डेट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, या एक और डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। बच्चों क्यों होती हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब सारी चीज़ों को ऑपोजिट कर देती हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशी डैट रिड्यूस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, या द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल कि हम किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है, या आपकी एक्सरसाइज का MCQs भी है। रिएक्शन है Zn+2HCl। अब Zn एक मेटल है, जिंक मेटल। अभी मैंने बोला मेटल्स क्या होती हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जिंक के ऊपर है पॉजिटिव 0 चार्ज, लेकिन जब वो रिएक्शन हो गया तो उस पर चार्ज आया +2 का। तो नीचे लिखा है जिंक इज अ ऑक्सीडाइज एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज रिड्यूस एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। एक और एग्जांपल है वाटर की, तो वाटर की एग्जांपल में देखिए बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, दे फॉर्म वाटर, और ऑक्सीजन के ऊपर जीरो चार्ज था लेकिन रिएक्शन होने के बाद माइनस टू चार्ज। इसी तरह हाइड्रोजन पे जीरो चार्ज था, रिएक्शन होने के बाद पॉजिटिव वन चार्ज, और हाइड्रोजन हैज़ चेंज फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट टू पॉजिटिव वन बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, और बेटे इस वजह से वो बिहेव कर रहा है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चारों की डेफिनेशन, एक दफ़ा आपके वो पेज 119 के ऊपर बनी है उसे डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम, एक सिस्टम है। अब सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें होंगी जिनसे मिलकर सिस्टम बनेगा, तो वो चीज़ें क्या हैं। टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कनेक्टेड टू द बैटरी। तो बेटा कितनी चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हो गई, टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन और सोर्स ऑफ वोल्टेज यानी बैटरी। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, इन विच द केमिकल रिएक्शन आइदर यूज और जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं बेटा, पहली टाइप है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, और दूसरी टाइप का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बारी बारी इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अ वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा और वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल के तौर पे कार की बैटरी, इन कार बैटरी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं बेटा, और उन केमिकल रिएक्शन से आपको वोल्टेज मिलता है, तो वो एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल की। इसी तरह रिमोट का सेल, सेल नॉर्मल बैटरी ड्राई सेल, उसमें भी बेटा केमिकल रिएक्शन से क्या बनते हैं वोल्टेज जनरेट होती है और आपको चार्जेस प्रोवाइड होते हैं। दूसरी टाइप टोटली ऑपोजिट है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, घर के जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करती हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टोस्टर, बेटा टोस्टर में केमिकल रिएक्शन तब होगा, वो तब हीट होगा जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव कर रहा है एक केमिकल रिएक्शन। रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच द टू इलेक्ट्रोड आर डिप इन टू द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड आर कनेक्टेड टू द बैटरी। बेटा इसकी कितनी टाइप हैं, इसकी दो टाइप हैं, एक है वोल्टिक सेल और एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट हमारे पास अब उन सिस्टम्स के जो पार्ट्स हैं हम उन्हें बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इसकी एग्जाम्पल है सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस। साइड पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें मैंने कैटेगराइज किया कि इलेक्ट्रोलाइट तीन तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आगे फर्दर थ्री क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और सॉल्ट सॉल्यूशंस, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड्स, वीक बेसिस और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या थे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या थे। तो इनको कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए हमें चाहिए कि हम देखें कि वो कितना आयोनाइज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंड ऑफ आयोनाइजेशन। पहली जो टाइप थी वो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ NaCl, टेबल सॉल्ट एंड NaOH, कास्टिक सोडा। बेटा ये ज़्यादा आयोनाइज होते हैं, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड एंड सोडियम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ही नहीं होंगे. द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन एंड बेंजीन. तो तीन तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए. पहला इलेक्ट्रोलाइट था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ज़्यादा आयोनाइज होता है और करंट को अलाउ करता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयोनाइज होता है और करंट को थोड़ा पास आउट करता है. जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ही नहीं होते और आयंस नहीं बनाते जिसकी वजह से उनमें से करंट की वोल्टेज पास आउट नहीं होती. ये था एक कंपोनेंट. नेक्स्ट है हमारे पास कि सेल के अंदर कितने कंपोनेंट्स थे. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सेल के अंदर सोर्स ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो बैटरी है. दूसरा आपको रेड पॉइंट से नज़र आ रहे होंगे इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और दोनों डिप हैं किस में, दोनों डिप हैं इन द मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो बेटा इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप को डिस्कस किया, इसी तरह इलेक्ट्रोड्स की भी दो टाइप होती हैं. एक टाइप होती है एनोड. एनोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और उस पर चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. और कैथोड विच आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये एक पूरा कंप्लीट सेल जिसमें इलेक्ट्रोड डिप हैं किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर और कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ. ये आपका एक डायग्रामिक स्ट्रक्चर था जिसमें आप सेल को एक्सप्लेन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं. सब्सक्राइब ALS YouTube ऑफिशियल चैनल फॉर फर्दर अपडेट. थैंक यू सो मच. स्टे एट होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.